और बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में एक युवक गिर गया। नहर में डूबता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों के जरिए रेस्क्यू शुरू किया गया। काफी खोजबीन के बाद भी युवक का पता नहीं चल पाया। भदोखर थाना क्षेत्र के शारदा नहर का ये पूरा मामला है। तो नहर में एक युवक डूबने लगा, फौरन सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची, गोताखोरों की टीम पहुंची। काफी खोजबीन के बाद भी युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और ये जो पूरी घटना हुई है, ये भदोखर थाना क्षेत्र के शारदा नहर में हुई है। प्रयागराज के जैतवाड़ी रेलवे पुलिया के पास श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। हादसे में करीब 15 लोगों के घायल होने की सूचना है और सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पड़िला महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सभी श्रद्धालु वापस घर जा रहे थे। थरवई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई, पड़िला महादेव के दर्शन करके लोग लौट रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। जतरवाडेल रेलवे पुलिया के पास की घटना है, थरवई थाना क्षेत्र है प्रयागराज का, जहां पर बस पलटी। वहीं औरैया में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को साथ आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं की। इसके साथ संगठन और मजबूत करने को लेकर पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चिपकू वाले बयान पर भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, बौखलाए हुए हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में देश और 6 सालों में प्रदेश में कुछ नहीं किया। जनता के बीच जाकर वो झूठ बोलते हैं, बहकाने का काम करते हैं और जनता को केवल धोखा दिया गया है। शिवपाल सिंह यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये फैसला पार्टी करेगी। के लिए कुछ कर रहे हैं, अब उनकी समझ में तो आ नहीं रहा है। अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में इस देश और प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। प्रशासन ने जनता को बीच में झूठ बोला है, जनता को बहकाने का काम किया है, जनता को केवल धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून नाम की कोई चीज है नहीं। संविधान को वो मानते नहीं, कानून को वो मानते नहीं, तो इसलिए लाइन ऑर्डर तो पूरी तरह से ध्वस्त है। सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी से पूछे गए सवाल का जवाब तब मिल गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में प्रवेश से रोका गया। स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि देश में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन आम बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तब आम दलित और पिछड़ों के साथ क्या होता होगा, समझना मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से मानवाधिकार के जवाब देते देते माननीय प्रधानमंत्री थक गए और उनको कहना पड़ा कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, और अभी एक हफ्ता भी उनका बयान नहीं हुआ कि कल राष्ट्रपति को इस जाति अपमान के कड़वे सच का सामना करना पड़ा, तो जिस भारत में राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने के साथ भेदभाव के व्यवहार का सामना करना पड़ा, मंदिर में जाने से रोका गया, जाति अपमान का कड़वा सच उनके सामने आया, तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका में कटघरे में खड़े किए गए प्रधानमंत्री जी का असली चेहरा खुल करके दुनिया के सामने आ गया। फतेहपुर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को हिंदू बनकर अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म कर ईंट से कुचल कर हत्या कर दी। आरोपों के मुताबिक युवती अहमदाबाद से मौसी की लड़की के यहाँ एक कार्यक्रम में आई थी। सिकंदर नाम के युवक ने सोनू बनकर दोस्ती की और जब वो एक शादी में आई तो उसे गेस्ट हाउस से बुलाकर 500 मीटर की दूरी पर दुष्कर्म किया, उसके बाद ईंट से कुचलकर उस पर हमला कर दिया। घायल युवती को डॉक्टर्स ने हेलेट के लिए रेफर कर दिया, जहाँ पर युवती ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लड़की शादी समारोह में शामिल होने बिनती गई थी, वहाँ पे इसके साथ दुष्कर्म की घटना करने के बाद इसे घायल कर दिया गया था। लड़की का ट्रेवल्स
बस की बसें चलती हैं, सूरत जाती हैं बसें इसकी, वहीं से आना जाना इन लोगों का परिचित हुआ। काफ़ी दिनों से परिचित थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी। बातचीत के दौरान ही लड़का वहाँ मैरिज होम पहुँचता है और आपस में लोग मिलते हैं। वहाँ पर दुष्कर्म की घटना कारित करके और उसको घायल कर दिया था, जिसकी आज डेथ हो गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।